Hello everyone! So, hello everyone, it's me Soumya and welcome back to my channel. So, today I'm gonna give you my whole campus tour. So, without any further ado, let's get started. So, this is GD1M ka entrance. Chalo andar chalte hain. Hello, bhaiya. Let's go! थोड़े ही आगे जाते हमें मिली एक कैफे जो कि बिल्कुल न्यू न्यू ओपन हुआ है. ओह नाइस. So this is the school of GD Goenka. जब आप स्कूल से आगे जाओगे फिर सारे कॉलेजेस जीडी के अंदर जो भी कॉलेजेस हैं सारे वहां पे हैं. So this is block A. ब्लॉक ए और पीछे साइड में ब्लॉक बी और सी है जो कि है मेरा कॉलेज. तो लेट्स गो. ये नहीं करना था. Nirulas. CCD Cafe Coffee Day. Block B. So block B and this is block C. UID. This is my college, design college. ये मेरा कॉलेज है. सारे कॉलेजेस के बाजू में ही ये शॉप है इंच पेपर जहाँ पे सारी स्टेशनरी की चीजें मिल जाती हैं. अभी बंद है क्योंकि आज संडे है. तो दिस इज आवर एम्फीथिएटर जहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंसेस और ये सारी चीजें होती. ये पूरा एरिया हमारे कॉलेज के पीछे का एरिया बैक साइड का. लेट्स एक्सप्लोर क्या क्या है पीछे. मैं बताती हूँ. एक वॉलीबॉल कोर्ट बना हुआ है. आप यहाँ पे चाहो तो वॉलीबॉल खेल सकते हो. फिर इधर आते हैं. इधर है. इधर. हाँ तो ये है बैडमिंटन. यहाँ पे
आप बैडमिंटन खेल सकते हो, ये बास्केटबॉल एरिया जैसे आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, और पीछे जो पीछे का आपको एरिया दिख रहा है वो पूरा रिफ्रेशमेंट एरिया है। पीछे चाय गरम है, अनुपैया की स्टोर है, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। ब्लॉक ए का जो एरिया है वो बाकी ब्लॉक से थोड़ा दूर पे है, और यहाँ के जो रिफ्रेशमेंट एरियाज हैं वो हर दिन खुले होते हैं, वीकेंड पे भी और वीकडेज पे भी हर दिन खुले होते हैं, और वो रात के 10 बजे तक खुले होते हैं। यहाँ पे ग्रोसरीज और खाने पीने की चीजें सब कुछ यहाँ पे है। मैं भी हॉस्टलर हूँ तो जो भी चीजें लेनी होती है यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है, हर एक नीड की चीजें मिल जाती है, ग्रोसरी मिल जाता है, हर कुछ मिल जाता है, तो हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे भी CCD मिल जाएगा, लेकिन ये अभी बंद है। फिर ये है फ्यूल ज़ैप, ये वही है जो बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कैफे दिखाया था वो इन्हीं का है, इन्हीं भैया का है। ये रहे भैया, हेलो भैया, हेलो। तो ये है नीड्स, यहाँ पे सारी ग्रोसरी की चीजें मिल जाती हैं हमें। मोमो मियाँ, और हम अगर आगे जाएं तो हमें मिस कैफे पे मिल जाता है। तो यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। और अब हम थोड़ा और आगे जाएं तो हमें मिलता है डोमिनोज, जैसे यहाँ पे डोमिनोज हॉस्टल में आपको डिलीवरी भी पहुंचाते हैं। So, ये है पूरा ओवरऑल एरिया खाने पीने के। तो के पास भी लॉन टेनिस का एक एरिया बना रखा है। तो ये जो गेट है ये कॉलेज के एरिया से हॉस्टल की तरफ एंटर करता है। मैं सारी चीजें पास से लेकर दिखाती हूँ। इधर है बास्केटबॉल कोर्ट और इधर है फुटबॉल कोर्ट, और सामने इधर पे हॉस्टल्स है, इधर पे मेस है, और एक कॉलेज है। मैं दिखाती हूँ चल के। तो इधर से आगे आने के बाद ये है गर्ल्स हॉस्टल और ये स्कूल के बच्चों का हॉस्टल। तो इस हॉस्टल के जस्ट सामने में है लेकॉर्डन LCB, जो कि है होटल मैनेजमेंट और इन टाइप के कोर्सेज के लिए, और इसी बिल्डिंग में आगे से है हमारा मेस। सो ये हमारे मेस का फ्रंट व्यू। जस्ट बैक साइड में है यहाँ पे एक और हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से ये थोड़ा मेस्ड अप दिख रहा है। सो यहाँ के जस्ट अपोजिट साइड में ऐसा फील्ड सा बना रखा है, और ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये है बॉयज हॉस्टल, वो भी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये है दो बॉयज हॉस्टल, एक इस साइड में एक इस साइड में, और सामने है हमारा फिटनेस सेंटर। ये हमारा प्रॉपर फिटनेस सेंटर जिसके अंदर जिम, इंडोर गेम्स सारी चीज़ें हैं। साइड में फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी है फॉर एनी इमरजेंसी, और इसके जस्ट इस साइड में है एम्फी थिएटर जो मैंने आपको कॉलेज के पास पे दिखाया था। ये यहाँ पे भी एक एम्फी थिएटर बना रखा है जो हॉस्टल के इवेंट्स, जैसे हमें अगर कुछ इवेंट करना हुआ या फिर कुछ भी, वैसे जो हॉस्टलर्स इवेंट करते हैं उनके लिए है ये पूरा।
एरिया है एम्फी थिएटर और फिटनेस सेंटर के पीछे का, यहाँ पे भी फुटबॉल कोर्ट बना रखा है। अभी कोई स्कूल की इवेंट हुई थी उसकी वजह से यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई हैं, बट ये पूरा फुटबॉल कोर्ट है। ये है एक और बॉयज हॉस्टल और ये जो एरिया है यहाँ पे हमारे सबके पार्सल्स आते हैं। सो ये है एक और गर्ल्स हॉस्टल। ये है एक और गर्ल्स हॉस्टल। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय। बोलना तू छोड़ चलो बोलो मेरी वीडियो लो।